Hello friends, welcome to Honest Tutorial for your better understanding. Hello friends, this is Akram Sheikh and you are watching Honest Tutorial. Friends, हमने हमारे लास्ट वीडियोस के अंदर हमने देखा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या उसकी क्वालिफिकेशन है, क्या उसकी डिसक्वालिफिकेशन है और कब हम डायरेक्टर को रिमूव कर सकते हैं, कंपनी कब डायरेक्टर को रिमूव कर सकती है। और फ्रेंड्स, अब आज के वीडियो के अंदर हम लोग आपके लिए लाए हैं क्या है पावर्स जो डायरेक्टर को हासिल होते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग इसको यहाँ पे डिस्कस करते हैं। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक्वायर्स पावर थ्रू थ्री वेज, यानी जो डायरेक्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है, जितने भी डायरेक्टर है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंदर, उनको जो पावर्स यानी उनको जो अथॉरिटीज जो दी गई है वो तीन तरीके से उनको अथॉरिटीज दी गई है। फर्स्ट इज द इनको अकॉर्डेंस विद द कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट के तहत उनको कुछ पावर्स और अथॉरिटीज दी गई है। सेकंड, इन अकॉर्डेंस विद द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, यानी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के तहत भी इनको कुछ पावर या अथॉरिटीज दी गई है। एंड थर्ड, इन अकॉर्डेंस विद द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के तहत भी इनको कुछ पावर एंड अथॉरिटीज दी गई है। तो फ्रेंड्स, हम लोग सबसे पहले डिस्कस करते हैं पावर असाइंड बाय द कंपनीज एक्ट टू द डायरेक्टर, यानी कंपनीज एक्ट के जरिए इनको क्या क्या अथॉरिटीज या पावर इनको असाइन यानी कि उनको दिए गए, वो हम लोग डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इज टू इश्यू एंड अलॉट शेयर्स ऑफ द कंपनी, यानी जब कंपनी कोई अगर शेयर बार पाड़ती है यानी शेयर इश्यू करती है, तो ये शेयर इश्यू करने का और जो शेयर का जो अलॉटमेंट यानी किसको हमें शेयर देना है, ये दोनों चीज का डिसीजन जो है, ये पावर है वो किसके हाथ में, डायरेक्टर के, डायरेक्टर्स के हाथ में है। टू मेक कॉल्स ऑन शेयर होल्डर्स इन रिस्पेक्ट टू अनपेड मनी, फिर क्या बोलेंगे कि जो कॉल्स बनाए जाएंगे यानी जो इंस्टॉलमेंट, कितने इंस्टॉलमेंट रखने, यानी जब जब कंपनी को पैसे की रिक्वायरमेंट है तब तक वो जो शेयर्स जो इश्यू किए तब तक वो उसके इंस्टॉलमेंट मनी उसके मंगवाएगी। तो ये कब कब मंगवाना है, जो शेयर होल्डर्स के पास से इंस्टॉलमेंट यानी कि अनपेड मनी जो है वो कॉल्स के जरिए कब मंगाना है, इसका डिसीजन भी जो है, इसका पावर जो है वो किसको है, डायरेक्टर्स ऑफ ए कंपनी को। फिर थर्ड है टू इश्यू डिबेंचर्स एंड अदर सिक्योरिटीज वेदर इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, फिर जो इश्यू ऑफ शेयर्स के बाद दूसरी चीज आती है इश्यू ऑफ डिबेंचर। फ्रेंड्स, हमने ये जान लेते हैं कि डिबेंचर और शेयर्स के बीच में क्या डिफरेंस है। शेयर्स जो होता है ये कंपलसरी होता है हर पब्लिक कंपनी के लिए इश्यू करना, और डिबेंचर ये कंपलसरी नहीं होता है, लेकिन अगर एडिशनल फंड की रिक्वायरमेंट है तो डिबेंचर भी कंपनी इश्यू कर सकती है। लेकिन इश्यू ऑफ शेयर्स और इश्यू ऑफ डिबेंचर में सिर्फ एक बड़ा डिफरेंस ये है कि जो डिबेंचर होता है वो डेप्ट होता है, तो ये जो डेप्ट है वो उसको पहली प्रायोरिटी मिलती है कि उसको पैसा वापस मिले, और जो डिबेंचर होता है उसके अंदर एक फिक्स इंटरेस्ट भी दिया जाता है, तो ये इंटरेस्ट अगर कंपनी प्रॉफिट करती है या लॉस करती है दोनों कंडीशन के अंदर यहाँ पे इंटरेस्ट डिबेंचर होल्डर्स को दिया जाएगा। अगर शेयर्स है तो शेयर्स के अंदर ये कंफर्म नहीं है कि उनको जो भी है वो इंटरेस्ट इनको यानी इनको जो डिविडेंड जो है वो मिलेगा। अगर कंपनी प्रॉफिट करती है तो ही यहाँ पे शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलता है। तो फ्रेंड्स, जो डिबेंचर जो इश्यू करना है और या तो फिर कोई और प्रकार की कोई म्यूचुअल फंड या कोई भी ऐसा कुछ भी अगर सिक्योरिटीज अगर कंपनी को इश्यू करनी है इंडिया में या इंडिया के बाहर, दोनों में से कोई भी जगह पे उसको इश्यू करना है, तो इसका पावर और इसकी जो अथॉरिटी है वो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या तो डायरेक्टर्स के हाथ में है। द फोर्थ पॉइंट इज टू बोरो मनी ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी, यानी कंपनी के बिहाफ में, कंपनी के वती बोलते, जो प्रति बोलते हैं ना, जो कंपनी के प्रति ये लोग बोरो मनी यानी कि कोई भी लोन ले सकते हैं, यानी कंपनी के नाम पे ही लेंगे, खुद के नाम पे नहीं लेंगे, कंपनी के नाम पे ही लेंगे, लेकिन कंपनी के बिहाफ के ऊपर ये लोग ले सकते हैं। फिर फिफ्थ पॉइंट है टू इन्वेस्ट फंड्स टू ऑफ द कंपनी, अब जो कंपनी के पास जो फंड पड़ा है, जो भी रुपया पैसा पड़ा है, उसको कहाँ पे प्रॉपर वे में किधर इसको इन्वेस्ट करेंगे ताकि उसका उनको हैंडसम बेनिफिट उसको मिल सके, हैंडसम रिटर्न मिल सके, तो ये डिसीजन भी कौन ले सकता है, डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी ले सकता है, क्योंकि इसके पास ये अथॉरिटी पावर दी गई है। फिर उसके बाद है टू डिक्लेयर इंटरिम डिविडेंड, यानी ईयर के इंटरनल जब फाइनेंशियल ईयर जो चालू होता है उसके बीच में भी अगर कुछ इंटरिम डिविडेंड यानी कि साल के बीच में भी अगर कोई डिविडेंड देना चाहे, डिविडेंड किसको मिलता है, शेयर होल्डर्स को मिलता है, तो शेयर होल्डर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स और इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं, इनको अगर कुछ डिविडेंड देना है इंटरिम यानी साल के बीच में कभी भी, तो इसका डिसीजन भी जो है, जो डिक्लेयर करने का इसका डिसीजन जो पावर जो है वो किसके पास है, डायरेक्टर के पास। फिर आया टू डिटरमाइन प्रोपोर्शन ऑफ डिविडेंड ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट अर्न बाय द कंपनी,
फिर ये लोग ही डिसाइड करेंगे जो प्रॉफिट अर्न किया कंपनी ने उसमें से कितना प्रोपोर्शन यानी कितना हिस्सा वो लोग डिविडेंड में वो लोग निकालेंगे, यानी डिविडेंड शेयर होल्डर्स को जो दिया जाता है वो शेयर होल्डर्स को कितना डिविडेंड दिया जाएगा वो प्रॉफिट में से कितना हिस्सा उनको निकालना है वो डिसाइड कौन करेगा, डायरेक्टर्स ऑफ ए कंपनी डिसाइड करेंगे, इसकी अथॉरिटी भी इसके पास है। देन एट्थ है टू अपॉइंट अल्टरनेट डायरेक्टर्स एंड एडिशनल डायरेक्टर्स ऑन टेम्पररी बेसिस। फ्रेंड्स हमने हमारे पिछले वीडियो में हमने देखा टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स है उसके अंदर अल्टरनेट डायरेक्टर और एडिशनल डायरेक्टर जो होते हैं। अल्टरनेट डायरेक्टर यानी कि जो कोई डायरेक्टर अगर इंडिया के बाहर 3 साल के बाद 3 महीने के लिए अगर बाहर जाता है तो उसकी जगह पे एक डायरेक्टर को रखा जाता है उसे बोलते हैं अल्टरनेट डायरेक्टर। और एडिशनल डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर यानी कि हमारे बोर्ड डायरेक्टर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है उनके ग्रुप के अंदर अगर कोई स्किलफुल पर्सन या कोई एक्सपर्ट या टेक्नोक्रेट नहीं है तो ऐसे किसी को अगर हम लोग उसमें इन्वॉल्व करते हैं तो उसको बोलते हैं एडिशनल डायरेक्टर। तो ये दोनों जो होता है वो टेम्पररी बेसिस पे होता है तो उसका अपॉइंटमेंट करने का पावर या अथॉरिटी जो है वो भी डायरेक्टर्स के हाथ में होता है। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज टू ग्रांट लोन्स, टू गिव द गारंटी फॉर लोन और टू प्रोवाइड सिक्योरिटी फॉर लोन। यानी अगर किसी को लोन देनी है तो डायरेक्टर्स उसके लिए डिसीजन ले सकते हैं। टू गिव द गारंटी फॉर लोन, अगर कोई लोन ले रहे हैं तो उसके अगेंस्ट में कुछ सिक्योरिटी में कुछ चीज़ रखनी पड़ती है, तो कौन सी प्रॉपर्टी को सिक्योरिटी में रखना है यानी गारंटी के लिए रखना है वो उसका डिसीजन भी इसके पास पावर है डायरेक्टर्स के पास, उसका ये डिसीजन भी ले सकते हैं। फिर है टू अप्रूव फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड रिपोर्ट ऑफ द बोर्ड। जो फाइनेंस स्टेटमेंट्स यानी कि फाइनल अकाउंट्स जो हमारे जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, तो उसको अप्रूव करना और ये रिपोर्ट जो है बोर्ड के सामने प्रेजेंट करना, इसका पावर और अथॉरिटी भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या डायरेक्टर्स के पास है। टू एक्सपांड बिजनेस ऑफ द कंपनी, ये भी एक पावर है इनके पास कि जो बिजनेस जो है क्योंकि शेयर होल्डर्स ने इन्वेस्ट किया है तो जो कंपनी के अंदर जो इन्वेस्ट किया है और शेयर होल्डर्स के ये लोग रिप्रेजेंटेटिव्स है तो बिजनेस का पूरा हित के लिए ये लोग सोच रहे बिजनेस को कैसे एक्सपांड करना, इसका पावर भी डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी के पास है। देन नेक्स्ट पॉइंट इज एनी अदर मैटर विच में बी प्रिस्क्राइब, और कोई भी मैटर्स है हर चीज़ के लिए डिसीजन मेकिंग इनके पास है क्योंकि सारा मैनेजमेंट जो भी करता है वो ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स करता है, तो हर तरह का जितने भी मैटर्स है बिजनेस के अंदर को कंपनी के अंदर वो सारे मैटर्स का कोई भी डिसीजन ये लोग ले सकते हैं डायरेक्टर्स ऑफ ए कंपनी। नाउ अथॉरिटीज अक्वायर्ड बाय मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये जो अभी हमने डिस्कस किया वो था अथॉरिटीज असाइंड बाय द कंपनीज एक्ट टू द डायरेक्टर्स। अब हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है अथॉरिटीज अक्वायर्ड बाय मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो डायरेक्टर्स एक्वायर्ड सम ऑफ द अथॉरिटीज थ्रू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, यानी कि डायरेक्टर्स को कुछ जो अथॉरिटीज जो है वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के तहत भी उनको दी गई है। They cannot function beyond this power. यानी उनको जो authorities memorandum of association में दी गई है उस authority के beyond यानी उससे ज़्यादा वो लोग अपने आप कुछ भी उस power से ज़्यादा कुछ भी काम नहीं कर सकते, कोई decision नहीं ले सकते। If the directors act beyond these powers, such acts are considered to be ultra vires. These for such acts directors are held personally liable. अगर कोई डायरेक्टर जो उसको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के तहत उसको जो भी पावर या अथॉरिटी दी गई है अगर वो उससे भी बढ़ के अगर कुछ ज़्यादा पावर या अथॉरिटीज़ का काम करता है जो उसके उसको नहीं दिया नहीं गया उससे बियॉन्ड अगर वो कुछ काम करता है देन ऐसी कंडीशन के अंदर डायरेक्टर खुद डायरेक्टर उसके लिए लायबल यानी कि रिस्पॉन्सिबल रहेगा। Then the third point is authorities acquired by the articles of association. यानी जो authorities जो है जो power जो है director को वो articles of association के तहत उसको कौन कौन power मिले है तो हम लोग ये जानते हैं there is a provision in the companies act articles of association to manage a company, यानी companies act के अंदर एक provision बनाया गया है कि article of association के अंदर बताया गया है कि सारा management जो company का है वो कौन करेगा, director करेंगे। Most of the administrative powers of the directors is acquired through the articles of association. यानी ज़्यादातर जितने भी administrative powers जो भी है director को वो सारे के सारे powers किस में सबसे ज़्यादा दिए होंगे, articles of association के अंदर already mentioned होंगे। It is the responsibility of a director to function according to that.
तो ये डायरेक्टर की खुद की एक जिम्मेदारी जवाबदारी है कि वो एसोसिएशन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अकॉर्डिंग ही वो उसको काम करेगा. बट इफ डायरेक्टर एक्ट बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ देयर पावर्स सच एक्ट्स आर कंसिडर्ड टू बी अल्ट्रा वायस. यानी अगर डायरेक्टर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में उसको जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी या पावर या अथॉरिटी दी गई है अगर उसके बियॉन्ड यानी अगर उससे ज़्यादा उससे बढ़ के अगर कुछ करता है उसकी लिमिट से बढ़ के अगर कोई काम करता है देन यहाँ पे जो भी डायरेक्टर होगा उसको खुद को यहाँ पे उसको लायबल समझा जाएगा. वो खुद उसके लिए पर्सनली यहाँ पे उसके लिए जिम्मेदार गिना जाएगा क्योंकि यहाँ पे उसने उसके जो रूल्स जो है वो रूल्स को तोड़ा है. यहाँ पे उसने जो अथॉरिटीज जो पावर दिया है उसको उसने उसका मिसयूज किया है. तो फिर यहाँ पे वो डायरेक्टर खुद उसके लिए पर्सनली जिम्मेदार हो जाएगा. तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको जो अथॉरिटीज और पावर्स जो डायरेक्टर्स के जो मैंने इस वीडियो के जरिए आपको समझाना चाहा वो आपको समझ में आया होगा. अगर आपको कुछ भी डाउट है कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट्स के द्वारा आप मुझे पूछ सकते हैं. प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल.